नमस्कार दोस्तों, रेलटेक्स के एक और बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले अनोखे एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को गार्जियन एंजल की एक बहुत ही कमाल की कहानी सुनाने वाले हैं। अब गार्जियन एंजल क्या होते हैं, बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। ऐसी आत्मा है जो आपके हर समय इर्द गिर्द रहकर आप लोगों को अपने होने का एहसास दिलाती रहती है, या फिर कई बार आप लोगों को बड़ी बड़ी मुसीबतों से, बड़ी बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाल देती है और आप लोगों को पता भी नहीं चलता। आपको ऐसा लगता है कि ये ऊपर वाले की वजह से हुआ है, लेकिन इनफैक्ट कई बार ये सारी चीजें जो आपकी जिंदगी में अच्छी घट रही है वो आपके साथ जुड़ी हुई गार्जियन एंजल के कारण ही होती है। बहुत सारे लोगों को ये समझ में भी नहीं आ पाता है कि आखिर कैसी होती है गार्जियन एंजल। ब्लेड एक्स के आज की कहानी सुनने के बाद आप लोगों को शायद ये आइडिया मिल जाएगा कि ऐसी होती है गार्जियन एंजल। तो ये कहानी शुरुआत करेगी जिया, तो बताओ क्या क्या हुआ था। मतलब आप लोगों से बहुत सारे लोग जो गार्जियन एंजल होते हैं उनको स्पिरिट समझ के उनसे डर भी जाते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि नहीं यार, जो भी है तो भूत ही, भले अपना ही है तो क्या है, लेकिन भूत तो है। ऐसे लोगों की मेंटेलिटी रहती है, लोग डर जाते हैं। क्यों नहीं डरेंगे, क्योंकि वो अपने यूनिवर्स के नहीं है वो लोग, इसलिए ऑब्वियस सी बात है लोग डर जाते हैं। ऐसा ही हुआ था मुस्कान नाम की लड़की के साथ। वो उसका गांव एक मतलब छोटा सा गांव है जहाँ पे घर बहुत दूर दूर होता है। हाँ, और मतलब बहुत ही मतलब रियल रूरल एरिया। हाँ, और वहाँ पे अगर बारिश वारिश जोर से हो गई तो लाइट वाइट बिजली बिजली भी चली जाती है वहाँ पे। उसके बाद घंटों घंटों तो बिजली नहीं आती है। तो उसका घर वैसे एरिया में ही है। एक दिन क्या हुआ था कि रात का टाइम था, उस दिन बारिश बहुत ही जोर जोर से हो रही थी और अचानक से इनके घर की लाइट चली जाती है। इनके घर की लाइट जाने के बाद ये और इसकी दादी एक बेड पे लेटे होते हैं और बाकी घर वाले ऐसे बैठ के बात कर रहे होते हैं कि बिजली आएगी तो टाइम पास करते हैं। ऐसा लोग ऑब्वियस सी बात है बात करते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। तो इसकी दादी और ये लोग लेटे हुए थे, तभी अचानक से मुस्कान को दिखाई दिया कि कोई मतलब जो बिजली कड़कता है ना उसकी रोशनी में कोई 8-9 फीट का बहुत ही ज्यादा लंबा इंसान की परछाई दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा समझ में आया, बिजली चमकी है। हाँ, मिली सेकंड्स में हमें दिखाई दिया कि हाँ सामने कोई खड़ा था। हाँ, और जब वापस से सब कुछ नॉर्मल हुआ तो कोई खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया। नहीं, उसके बाद वो सोचती कि जो मोबाइल था उसका फ्लैश ऑन करते हुए बाकी देखती है घर वालों को, तो घर वाले बैठे हुए थे और उतना लंबा इंसान के घर पे कोई था नहीं और बाकी सब लोग बैठे हुए थे, तो आखिर खड़े हुई परछाई किसकी दिखाई दे रही थी। फिर ये सोचने वाली बात थी, कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार हम लोग बैठे रहते अपने रूम में अकेले रहते हैं, हमें अचानक से ऐसा लगता है कोई ऐसा क्रॉस होके गया और हम ध्यान देते हैं तो कोई होता नहीं है आसपास। तो ये भी उसी तरह की कुछ फीलिंग थी कि अचानक से बिजली चमकी और किसी की प्रेजेंस दिखाई दी और फिर एक्चुअल में देखे जब अच्छे से ध्यान से तो कुछ नहीं था। इसे कुछ ही दिन बाद क्या होता है कि मुस्कान इस चीज को भूल जाती है। अब लगभग 3 या 4 दिन बाद अचानक से मुस्कान अपने घर पर अकेली थी। इसे अपने घर पर किसी और के होने का एहसास हुआ। इसे वो उस रात की सारी बातें एकदम फ्लैश में दिखाई देने लगी कि कैसे मुझे दिखाई दिया था, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ है तो नहीं हमारे घर में जिसे हम देख नहीं पा रहे। अब मुस्कान अपने आप अपने मोबाइल का टॉर्च लेके, उस दिन भी लाइट गोल थी बदकिस्मती से, मोबाइल का टॉर्च लेके अपने घर में इधर उधर ढूंढना शुरू कर देती। बहुत ज्यादा डरी हुई थी लेकिन किसी की भी प्रेजेंस समझ में नहीं आती। बस उस दिन के बाद से जब कभी भी अपने कमरे में सो रही होती थी या कुछ भी कर रही होती थी, अकेली होती थी या किसी चीज में बिजी होती थी, इसे बार 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 ऐसा लगता था कि कोई ना कोई है जो चल के जा रहा है, दौड़ के जा रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, नाच रहा है, किसी की आवाज आती थी, कुछ एक्टिविटी सी समझ में आती थी। मतलब कि जैसे मान लो कि इस रूम में मैं बैठी हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि निखिल है अगर इस रूम में तो उसकी प्रेजेंस तो समझ में आएगी, भले मैं उसको देखूं या आंख बंद करके क्यों नहीं ऐसे लेटी हूँ तो भी उसकी प्रेजेंस फील तो होगी। वैसे उसको लग रहा था मतलब कंटिन्यूसली कि ऐसा हो रहा है कुछ ना कुछ घर पे, लेकिन एक्चुअल में वो पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ा हुआ था। ये अभी तक समझ नहीं पाई थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी अपनी मम्मी से ये बात को डिस्कस करती है। मम्मी कहती है कि नहीं, ये तेरा वहम है, अगर कुछ होता तो मुझे भी समझ में आता ना भाई किसी की प्रेजेंस। उसकी मम्मी शायद ये बात नहीं जानती थी कि जो पैरानॉर्मल एनर्जीज होती है ये रियल में किसी को ऐसा आवाज नहीं सुनाई दिलवाती है, ये रियल में किसी को ऐसा दिखाई नहीं देती, ये एक्चुअली आपके माइंड के साथ खेल खेलती है जिसकी वजह से जो वो चाहती है वो आपके दिमाग में फीड कर देती है और वही वही चीज आपको दिखाई देती है, आपको सुनाई देती है, आपको फील होती है।
क्योंकि किसी भी स्पिरिट की बॉडी नहीं होती है, प्रॉपर बॉडी, जैसे अपने पास प्रॉपर बॉडी है वो नहीं होती है, लेकिन आपको उसकी बॉडी, उसकी शक्ल, उसका फेस कट सब कुछ समझ में आ सकता है जब वो चाहेगी तब। वो आपके दिमाग के साथ खेलेगी तब, क्योंकि वो एक एनर्जी होती है, एक शक्ति होती है, लेकिन पॉजिटिव नहीं, निगेटिव। खैर आगे बढ़ते हैं। मम्मी को इस बात पर विश्वास नहीं होता है। अब उस दिन पूरा दिन कट जाता है। अब अगले दिन की बात है, अचानक से उसकी मम्मी अपने घर पर अकेली थी। सब लोग कहीं ना कहीं गए हुए थे, मुस्कान भी अपने काम से स्कूल कॉलेज कहीं गई हुई थी, और अचानक से उसकी मम्मी खाना बना ही रही थी कि उसकी मम्मी को लगा कि ऐसा पीछे से कोई जुब से पास होकर गया है। वो पीछे पलट कर देखती है, ध्यान देने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक से ऐसा लगा कि कान के पास आगे किसी ने, घबरा गई, फटाक से पलट के देखी, हवा बड़ी अजीब थी और ऐसा लगा किसी ने बिल्कुल कान के पास आकर फूंक मारा है। पलट कर देखती है, मन में एक सेकंड के लिए लगा था कोई बंदर या कुछ जानवर, बिल्ली बिल्ली ऐसा कुछ आ तो नहीं गया। वो अपने घर में हड़बड़ा के बाहर देखने लगती है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता है। घर भी अंदर से ही बंद था, किसी और की प्रेजेंस थी ही नहीं जो उन्हें दिखाई दे देती। उसकी मम्मी भी ये समझ जाती है कि पक्का कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे हम लोग समझ नहीं पा रहे। मुस्कान वापस लौटती है, मुस्कान को वो सारी बातें बता देती है। अब दोनों इस बातों पर विश्वास करने लगे थे। इसके बाद मुस्कान के भाई को भी पता चला, भाई को बोला था कि कुछ ऐसा फील होता है, तो उसके भाई ने बोला था कि नहीं मुझे ऐसा फील नहीं होता है। उसके बाद उसके दूसरे ही दिन मुस्कान जब अपने रूम में सो रही होती है, रात का ही टाइम था, आई थिंक 11:30 बज रहा था, उसको ऐसा लगता है कि जो से किचन में बर्तन है किसी ने उठा के बहुत जोर से ऐसा फेंका, और एक बर्तन नहीं बहुत सारे बर्तन उठा के फेंका। और उसके घर पे सब लोग 10 बजे तक सो ही जाते थे, उसका भाई और वो सिर्फ जागते थे रात में 12-1 बजे तक, बाकी मोबाइल चलाते रहते, बाकी सब लोग सो जाते थे। तो उसको यकीन नहीं हुआ कि मम्मी उम्मी बर्तन क्यों फेंकेगी उठ के। वो जाके देखती है किचन में तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता। उस दिन वो बहुत ज्यादा डर जाते क्योंकि ये नॉर्मल नहीं था। हाँ, ये बहुत अजीब था, ऐसे बर्तन फेंकना की आवाज आ रही है, लेकिन आप जब जाके देख रहे हो तो वहाँ पे कोई बर्तन नहीं गिरा है, और आपको लिटरली फील हो रहा है कि नहीं कोई उठा उठा के पटक रहा था। सुबह सुबह अपनी मम्मी जब बात करती है तो उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो तेरा वहम होगा, क्योंकि उसकी मम्मी नहीं चाहती थी कि मुस्कान डरे। यानी मम्मी भी बात छुपा रही थी, यानी जो कुछ भी एक्टिविटी हुई थी इसकी मम्मी को भी सुनाई थी। हाँ, मम्मी को भी सुनाई दी थी, लेकिन मम्मी छुपा रही थी। लेकिन इनके साथ जो ये सब घटनाएं हो रही थी और ज्यादा बढ़ने लगी, और ज्यादा इनको और प्रेजेंस फील होने लगी। आगे चल के उसके भाई को भी फील हुआ, उसके पापा को भी फील हुआ, उसकी दादी को भी फील हुआ। इन लोग समझ गए सब लोग कि नहीं, यहाँ पे कोई ना कोई है, किसी की प्रेजेंस है, और कोई ना कोई स्पिरिट है, और हमको वक्त रहते इसके बारे में पता लगाना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि इन्हें सिर्फ प्रेजेंस ही फील हो रही थी। इन्हें कुछ नुकसान नहीं हो रहा था, कुछ भी नुकसान नहीं इस हो बात रहा से ये लोग हैरान थे, क्योंकि बचपन से ही हर इंसान सुना हुआ रहता है कि भूत प्रेत की प्रेजेंस होती है, भूत प्रेत आपके पास आते हैं तो आपको बड़ी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, किसी ना किसी मकसद से ही आपके पास आते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी मकसद समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी डर तो था मन में। ये लोग अपने पहचान के एक पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी काफी जानकार थे, काफी उन्हें बहुत अच्छी अच्छी समझ थी ऐसी ऐसी चीजों की। पंडित जी घर पर आते हैं, बोलते हैं कि मुझे एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। घर पर अनुष्ठान किया जाता है, और पंडित जी को सेम डे अनुष्ठान के बाद ये समझ में आ जाता है, उनकी विद्या रही होगी जैसे भी समझ में आता है, कि इस घर में जिस किसी की भी आत्मा है वो पवित्र आत्मा है, अपवित्र नहीं। मतलब एक ऐसी शक्ति है जो यहाँ पर रहकर आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है, सुरक्षा दे रही है, और उस एनर्जी की वजह से, उस शक्ति की वजह से आप लोगों को किसी भी तरह की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये लोग सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ऐसा भी होता है। तो हाँ, पंडित जी ने बोले आप अपनी जिंदगी का कुछ टाइम याद करो कि आप कभी मुसीबत में पड़ते पड़ते कहीं फंसे हो। सब लोग एक एक करके याद करना शुरू करते हैं, तो सबको याद आता है कि प्रॉब्लम में जाने वाले थे, नुकसान होने वाला था, गड़बड़ होने वाली थी, लेकिन बच गए। भारी किससे भारी एक्सीडेंट होने वाला था, हमारी जान भी जा सकती थी, लेकिन वहां पर भी हम बच गए। पैसों की हानि होने वाली थी, बच गए। मतलब सब कुछ ये समझ में आ गया कि हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा है जो प्रोटेक्ट कर रहा है। पंडित जी ने बताया घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा डर लग रहा है, तो मैं आपको एक ताबीज बनाकर देता हूँ। पंडित जी ताबीज बनाते हैं, ओम से रिलेटेड ऐसा कुछ बना हुआ रहता है, और सभी लोगों को पहना दिया जाता है। इस वाक्य को
कितने साल बीत चुके हैं? 2 साल हो गए आज. 2 साल बीत गए हैं और इन 2 सालों में मुस्कान और पूरी फैमिली इस घर में पूरी तरह से आराम से रहते हैं और किसी को कुछ भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी अब समझ में नहीं आती. और मुस्कान के और उसके घर वालों को पता भी चल जाता है कि शायद उसके मामा की डेथ हुई थी कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले. शायद हो सकता है कि उनकी आत्मा की प्रेजेंस होगी क्योंकि वो उन लोगों से बहुत ज्यादा क्लोज थे और बहुत ज्यादा प्यार करते थे. हो सकता है कि वो इनके घर पे आए होंगे अपने प्रेजेंस दिखाने और कि मैं भी हूँ, मेरे से बात करो, क्योंकि उनकी दुनिया अलग होती है. वहां पे वो तड़प रहे होते हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं, लोग साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वो रह नहीं पाते हैं. तो इसीलिए ये सब चीजें हो रही थी, लेकिन लकीली सब कुछ ठीक हो गया. उनके साथ ये 2 साल पहले हुआ था, लेकिन उस घर में वो लोग 10 साल से रह रहे हैं अभी भी. मतलब 10 साल पहले से वो लोग उस घर में रहते थे. मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि जो स्पिरिट आपके आसपास है वो आपको मतलब वो खुद कहीं से परेशान होगी. कई बार आपको प्रोटेक्ट करने के मकसद से ही वो स्पिरिट आपके आसपास रहती है. उनकी ख्वाहिश ये रहती है कि ये जो है ये खुश रहे, लेकिन मेरी डेथ हो गई है, अब मैं इसको खुश नहीं रख पाऊंगा. तो मैं आत्मा बन के जाऊंगा और उसको जब तक वो जिंदा है इस दुनिया में उसको खुश रखूंगा. तो कई बार ऐसी स्पिरिट्स की एक शाय होती है, बुरी आत्मा होती तो अच्छी भी होती, तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है जब तक आप खुश ना रहो. तो ऐसा कुछ होता है भाई, गार्जियन स्पिरिट्स का, गार्जियन एंजल्स का खेल. तो खैर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, हमेशा भूत प्रेत आत्माओं से घबराने की जरूरत नहीं है. कई बार ये आपकी भलाई के लिए भी आपके आसपास होती है. उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाके और के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं. इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंचाना. चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो.